नमस्ते छात्रों, हम अपने पिछले अवधि में सेहत का गोथा नामक पाठ को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने स्विमिंग करने से क्या क्या लाभ होता है उसके बारे में हमने देखा था। और स्विमिंग में अलग अलग प्रकार के कुछ स्टाइल्स होते हैं, उनके बारे में हमने देखा था। फ्री स्टाइल, बेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, जैसे बहुत सारे स्विमिंग के स्टाइल्स को हमने देखा था, जिससे शरीर को व्यायाम मिलता है, उनके बारे में हमने पिछले अवधि में देखा था। ठीक है, आगे देखिए, कुछ सावधानियां बरते स्विमिंग करते समय कुछ सावधानियां बरतना चाहिए। वो कौन कौन सी सावधानियां हैं यहाँ पे बताया जा रहा है। स्विमिंग पूल में पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है स्विमिंग पूल में, उस पानी को साफ रखने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अधिक मात्रा में उसमें क्लोरीन डाल दिया जाए तो हमारे त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। ड्राई आई, आंखों में जलन के अलावा ENT समस्याएं हो सकती है, और साइनोसाइटिस और कानों में दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, बहुत सारे बीमारियां हो सकती है, हमें नुकसान हो सकता है। कौन कौन से, त्वचा और आंखों में नुकसान हो सकता है, और ड्राई आई, आंखों में जलन के अलावा ENT समस्याएं, और साइनोसाइटिया तथा कानों में दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। बेहतर होगा कि पानी में क्लोरीन की अधिक महक आए तो तैराकी न करें। हमें पानी में क्लोरीन की जो महक, जो स्मेल अधिक आए तो हमें पानी में तैरना नहीं चाहिए। कानों में दर्द से बचने के लिए ईयरप्लग्स पहने, अपने कानों में कानों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ईयरप्लग्स डाल देना चाहिए। क्या है, स्विमिंग पूल में नहाते समय बरतने वाली सावधानियों के बारे में बताया है इसने, डॉक्टर राजवर्धन आजाद, एम्स, जो एम्स हॉस्पिटल है इसके डॉक्टर राजवर्धन आजाद ने इस सावधानियों के बारे में बताया है। ठीक है, अब इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थों को देखते हैं। ठीक है, पहला है कोशिका। कोशिका यानी कि पौधे या प्राणी की क्षुद्रतम इकाई जो प्रोटोप्लाज्मा की बनी होती है, यानी कि सेल्स हम साइंस में पढ़ते हैं सेल्स के ये कोशिका यानी कि सेल्स सबसे छोटी इकाई है जो प्रोटोप्लाज्मा की बनी होती है, यानी कि सेल्स, कोशिका यानी कि सेल। ग्रंथियों यानी कि शरीर का वह विशेष अंग जो शारीरिक क्रियाओं को जारी रखने के लिए आवश्यक रासायनिक यौगिकों का निर्माण करके उसे शरीर में भेजता है, जैसे थायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं, अलग अलग ग्रंथियां हैं जिससे शरीर को जो जो आवश्यक चीजें हैं उनकी उत्पत्तियां करके वह देता है, जैसे थायराइड ग्लैंड्स, उदाहरण के लिए थायराइड ग्लैंड्स, जिसमें ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड्स कहते हैं। अगला है वृद्धि। वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी या बढ़ना, इंक्रीजमेंट, जिसमें इंक्रीमेंट कहते हैं। यह त्वचा यानी कि चमड़ी, स्किन, त्वचा यानी कि चमड़ी, जिसमें से स्किन कहते हैं। यह नियमित यानी कि नियम पूर्वक इंग्लिश में रेगुलर कहते हैं। मांसपेशियां यानी कि शरीर के भीतर एक दूसरे से जुड़े हुए मांस के टुकड़े, शरीर के भीतर एक दूसरे से जुड़े हुए मांस के टुकड़े, इंग्लिश में मसल्स कहते हैं। आगे है शोध यानी कि अनुसंधान या खोज, इंग्लिश में रिसर्च कहते हैं। अगला है वसा यानी कि चर्बी, फैट। एरोबिक्स एक प्रकार का व्यायाम, एरोबिक्स एरोबिक्स करना। आगे नियंत्रित यानी कि नियमों में बांध कर रखना या स्वच्छंद न रहने देना,
कंट्रोल्ड, कंट्रोल नियंत्रित यानी कि कंट्रोल्ड। आगे रोग प्रतिरोधक यानी कि रोग यानी बीमारी को रोकने की शक्ति, रोग प्रतिरोधक यानी कि बीमारियों को रोकने की शक्ति, रोग निरोधक क्षमता यानी कि रोग यानी बीमारियों को रोकने की शक्ति, रेजिस्टेंस पावर, इंग्लिश में रेजिस्टेंस पावर कहते हैं। नेक्स्ट लयबद्धता यानी कि लय से बंधे होने का भाव, रिदम, इंग्लिश में रिदम कहते हैं, लय यानी कि रिदम। आगे है मूवमेंट्स यानी कि गतिविधियां, इंग्लिश में मूवमेंट ही कहते हैं। संतुलन यानी कि तौल बराबर होना, बैलेंस, इंग्लिश में बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट सतर्क यानी कि सावधान, अलर्ट, इंग्लिश में अलर्ट कहते हैं। फ्लोटर्स यानी कि तैरने में सहायक विशेष वस्तु, इंग्लिश में से फ्लोटर से कहते हैं। नेक्स्ट क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य, स्ट्रेंथ, इंग्लिश में स्ट्रेंथ कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों की बीमारी, जिसमें हड्डियां छिद्रित या छेद वाली होने लगती है, ऑस्टियोपोरोसिस, इंग्लिश में ऑस्टियोपोरोसिस ही कहते हैं। आर्थराइटिस की गठिया की बीमारी, जिसमें जोड़े में दर्द होता है, गठिया, आर्थराइटिस, इंग्लिश में आर्थराइटिस कहते हैं। ऑटोइम्यून के स्व प्रतिरक्षा, ऑटोइम्यून। नेक्स्ट ग्रसित यानी कि पीड़ित, अफेक्टेड। कंजक्टिवाइटिस यानी कि आंखों की बीमारी, जिसमें आंखें लाल हो जाती है और जलन होती है, कंजक्टिवाइटिस। नेक्स्ट अनियमितता, ठीक समय के अंतराल पर ना होना, इरेगुलरली या इरेगुलरिटी। नेक्स्ट धमनी यानी कि नाड़ी, सिरा, आर्टरी, इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं। नेक्स्ट आशंका यानी कि डर, खतरा, फियर या डेंजर। नेक्स्ट गतिशीलता यानी कि हरकत में होने का भाव या गतिमान होने का भाव, मूवमेंट, इंग्लिश में मूवमेंट। इच्छुक यानी कि इच्छा करने वाले, ईगर, उसे ईगर कहते हैं। नेक्स्ट वक्षस्थल यानी कि छाती, चेस्ट, वक्षस्थल यानी कि चेस्ट। ठीक है, ये क्या होगा इस पाठ से संबंधित शब्द अर्थों टिप्पणियाँ। आज की अवधि में इतना काफी है, हम अपने कल की अवधि में इस पाठ से संबंधित मौखिक प्रश्नोत्तर, लिखित प्रश्नोत्तर के बारे में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।